नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता के साथ में आज पटल पर मौजूद सभी श्रोता, सभी कविगण, सभी अधिकारी वर्ग का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को विदित है कि आज का ये कवि सम्मेलन राष्ट्रभक्ति जनसेवा के मूल मंत्र के साथ में ईमानदारी से कार्य करने वाले हमारे पुलिस बल के अधिकारी पुलिस कर्मियों को समर्पित है। आज का ये कवि सम्मेलन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। हम लोग जब घर के अंदर सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित बनाने के लिए अपने जीवन का प्राण उत्सर्ग करने वाले पुलिस बल, पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारियों को समर्पित आज का ये कवि सम्मेलन है। मैं पूरी विनम्रता के साथ में, आदर भाव के साथ में हमारे दोनों पुलिस अधिकारी, ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह जी चंदेल जी का अभिनंदन करता हूँ। और मैं केवल भूमिका में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्र की आराधना के स्वरों से राष्ट्र को सदैव जागृत बनाने में महती भूमिका प्रतिपादित करने वाले हमारे कुल के वरिष्ठ कवि परम आदरणीय श्री मदन मोहन जी समर, जो स्वयं पुलिस अधिकारी हैं भोपाल में, मैं भूमिका में उपस्थित हुआ हूँ। एक और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत परम आदरणीय श्री योगेंद्र जी शर्मा, जो भीलवाड़ा से आते हैं, बड़े कवि हैं, मैं भूमिका में उपस्थित हुआ हूँ। दीदी श्रीमती रुचि चतुर्वेदी, जो हम जैसे युवाओं को प्रोत्साहित करती हैं, हम कई सारे भाइयों को सदैव मार्गदर्शित करती हैं, ऐसी दीदी रुचि चतुर्वेदी जो आगरा से आती हैं, इन सब की भूमिका में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल पंक्तियों पे आऊँगा जो मैंने लिखी हैं। कल ही मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं मन से, आत्मा से, हृदय से मैं उन पुलिस कर्मियों का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में इन पंक्तियों को रखता हूँ और कहता हूँ कि आज देश पर महाप्रलय की घोर घटा सी छाई है। आज देश पर महाप्रलय की घोर घटा सी छाई है। जब हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी जब रोड़ों पर इस तपतपादी धूप में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तब लोग उन पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। कई जगह ये स्थिति भी हमको देखने को मिलती है। मैं बहुत व्यथित होता हूँ और व्यथित स्वर में मैं कई अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन मैंने ये पंक्तियाँ जो लिखी है मैं आप सबके बीच में रखता हूँ कि आज देश पर महाप्रलय की घोर घटा सी छाई है। शत्रु सामने नहीं है लेकिन प्राणों पर बन आई है। उस शत्रु से जनरक्षा की जिसने कसम उठाई है, उस शत्रु से जनरक्षा की जिसने कसम उठाई है, उस खाकी के सम्मुख देखो कदम कदम कठिनाई है। उस खाकी के देखो सम्मुख कदम कदम कठिनाई है। ना बच्चों की चिंता इनको, ना भोजन का रखे हैं ध्यान। कोरोना से मुक्त देश हो एक यही इनका अरमान। नमन करता हूँ जिस जन की सेवा करते हैं उससे ही मिलता अपमान। जिस जन की सेवा करते हैं उससे ही मिलता अपमान। ध्येय मार्ग पर अड़िग हटीले, ध्येय मार्ग पर अड़िग हटीले। नमन तुम्हें कर्तव्य निधान, नमन तुम्हें कर्तव्य निधान, नमन तुम्हें कर्तव्य निधान। सौ सौ बार नमन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माँ वीणा वादिनी के चरणों में नमन करता हूँ। भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आशुतोष ओज भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मुझे काव्य पाठ का अवसर दिया। चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि सीमाओं पर बेटे नित लड़ने जाते हैं, भारत की रक्षा के खातिर अपना लहू चढ़ाते हैं, उनकी शहादत की कीमत हम क्या चुका पाएंगे, चलो मिलकर हम उन्हें शीश झुकाते हैं। मित्रों, आज का कवि सम्मेलन पुलिस के लिए समर्पित है, पुलिस के जवानों के लिए समर्पित है। कोरोना जैसी इस विषम परिस्थिति में जो लोग अपने तन मन से चौराहों पर खड़े होकर के बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता है। मैं उनके लिए समर्पित चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं कि वर्दी है भगवान हमारी ड्यूटी है त्यौहार मेरा। वर्दी है भगवान हमारी ड्यूटी है त्यौहार मेरा। शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे सबसे बड़ा उपहार मेरा। होली ईद दिवाली मेरे सब ड्यूटी में मनते हैं, होली ईद दिवाली मेरे सब ड्यूटी में मनते हैं। देशभक्ति जनसेवा को तो कर्म कदम निरंतर चलते हैं, देशभक्ति जनसेवा को तो कदम निरंतर चलते हैं। मित्रों, कुछ छंद और आपके बीच समर्पित करना चाहता हूँ।
कि भारती की पूजा करूं, नित्य वंदना मैं करूं, सिंह पे सवार मात लाल ध्वज धारती, जब जब लाल रहे संकट में मात तेरे, रण चंडी बने आप खप्पर सवारती, कृपा दृष्टि दिखलाए अपने मलालों पे, अन्न जल धन दे के जीवन सवारती, ऐसी प्रजा पालनी की नित्य वंदना मैं करूं, वंदे मातरम गीत गाऊं तेरी आरती। हुआ है सवेरा सारे धीर वीर जाग रहे, लगता है सौर्य की रवानी जाग जाएगी, शेखर सुबह से असफाक से जगेंगे वीर, सुतों को निहार मां भवानी जाग जाएगी, जिस दिन छत्रसाल राणा से जगेंगे वीर, राम और कृष्ण सी कहानी जाग जाएगी, सोच लेंगे जिस दिन पाक को मिटा दें हम, उस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, उस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, राणा सेवा छत्रसाल भगत सुभाष चंद्र, शेखर की जन्मभूमि सबसे महान है, हाड़ा रानी पन्ना धाये पद्मनी मीराबाई, नारियों की गाथा सारा गा रहा जहान है, तुलसी कबीरा घनानंद मती राम सूर, केशव कबींद्र और यहाँ रस खान है, सारी दुनिया में कहाँ समता है भारत सी, गूंजती है गीता यहाँ मेरा हिंदुस्तान है, गूंजती है गीता यहाँ मेरा हिंदुस्तान है। एक छंद और समर्पित करता हूँ, तमाम संगतियों को लेकर एक छंद लिखने का प्रयास किया कि देशभक्ति सो गई है खो गई है जाने कहाँ, युवा अपने हृदय में बवाल रखने लगे, सभ्यता कहाँ है कौन जानता है सभ्यता को, पश्चिम का मन में ख्याल रखने लगे, दिन रात उलझे हैं अपने मोबाइल में ये, हृदयों में व्यर्थ के भूचाल रखने लगे, राजनेताओं के मन इतना भरा है खोट, सेनाओं के सामने सवाल रखने लगे, सेनाओं के सामने सवाल रखने लगे। एक छंद मात्र शक्ति को समर्पित करते हुए मैंने लिखा, वो भी आपको सुनाने का प्रयास करता हूं कि सीता सावित्री अनसुईया वाला देश यह है, नारियां भी भारत की तप दिखलाती हैं, ब्रह्मा विष्णु आशुतोष लेते हैं परीक्षा, जब लालना बनाती और पालना झुलाती हैं, सत्यवान केले प्राण यमराज चले जब, सावित्री तो यम से भी पति छीन लाती हैं, पिता आज्ञावान वनवासी हुए राम, जानकी भी राज छोड़ संग चली जाती हैं, जानकी भी राज छोड़ संग चली जाती हैं। उसके बाद ऐतिहासिक एक छंद और नारी शक्ति को समर्पित करने का प्रयास किया है, आशीर्वाद चाहता हूं आप सबका, मुझे इस छंद पर विशेष स्नेह मिले, मुझे बहुत प्रिय ये छंद लगता है कि नारियों का शौर्य यदि देखना जो चाहे आप, पावनी धरा है मेरा हिंदुस्तान है आइए, जोहर की ज्वालाओं में जली लाखों पद्मनी, शीश काट भेंट दिया हाड़ा रानी पाइये, राज धर्म पालने में चंदन चढ़ाया जिसने, ऐसी वीर माता यहाँ पन्ना धाय पाइये, नमन करूं मैं ऐसी वीर छत्राणियों को, राष्ट्र वंदना में वंदे मातरम गाइये, राष्ट्र वंदना में वंदे मातरम गाइये। जब हिमाचल ने बहुत सारे गोल्ड जीतकर इस देश के लिए समर्पित कर दिए, भारत उस प्रतियोगिता के प्रथम स्थान पर था, गोल्डों की जब बौछार हेमा दास ने की, तब मैंने एक छंद और लिखने का प्रयास किया, वो आपको समर्पित करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि बेटियों ने जीत करके गोल्ड ये बता दिया है, दुनिया बेटियां ही दुनिया में भारत की शान है, बेटियों ने जीत करके गोल्ड ये बता दिया है, बेटियां ही दुनिया में भारत की शान है, हेमादास दुती चंद साक्षी और सिद्धू ने भी खेल कर बढ़ा चुकी ये भारत की शान है, नापने लगी है बेटी आसमानी दूरियों को, नापने लगी है बेटी आसमानी दूरियों को, कल्पना सी बेटियां उड़ाए चंद्रयान है, देश की है शान बेटी देश का है मान बेटी, बेटियों के शौर्य से ही भारत महान है, बेटियों के शौर्य से ही भारत महान है। एक छन एक मुक्तक चार पंक्तियां और समर्पित करके अपनी वाणी को ब्राह्म कि भारत माता के सपूत ने जिस दिन सीमा पर गोली खाई होगी, भारत माता के सपूत ने जिस दिन सीने पर गोली खाई होगी, याद करो उस रात उसकी माँ को नींद कैसे आई होगी, माँ तो पन्ना है बलिदान चंदन कर देती है, रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन को भी याद आई होगी, रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन को भी याद आई होगी। और सभी से विशेष आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि इस समय देश तमाम विपरीत परिस्थितियों से, कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है,
हमें लॉकडाउन का पालन करके घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, और देश को बचाने में जो हमारी भूमिका है, देश को सुरक्षित रखने में जो हमारी भूमिका है, घर में रहकर ही अदा करना है। धन्यवाद, प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ कोरोना वॉरियर्स को जो कोरोना की इस लड़ाई में लड़ते लड़ते अपने प्राणों तक को इस वतन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए न्यौछावर कर गए हैं। मैं नमन करता हूँ इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार सर को, मैं नमन करता हूँ इंस्पेक्टर यशवंत पाल सर को, और मैं नमन करता हूँ डॉक्टर और नर्सेज को भी जिन्होंने इस कोरोना की लड़ाई में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। और दो पंक्तियाँ उनके लिए सबसे पहले रखना चाहूँगा कि तुम्हारे सेवा भाव से अभिसिंचित हमारा ये वतन है, तुम्हारे सेवा भाव से अभिसंचित हमारा ये वतन है। हे मातृभूमि के कर्मवीर, तुम्हें मेरा सत्सदवार नमन है। हे मातृभूमि के कर्मवीर, तुम्हें मेरा सत्सदवार नमन है। और चार पंक्तियां मैं रखना चाहूँगा पुलिस के लिए कि पुलिस दिन रात जिस तरीके से ड्यूटी करती है तो वह ड्यूटी किसके लिए कर रही है, सुनिएगा, कि सभी की जान के खातिर, सभी की जान के खातिर, सभी के मान के खातिर करें दिन रात हम ड्यूटी वतन की शान के खातिर, करें दिन रात हम ड्यूटी वतन के शान के खातिर। लेकिन दिन रात ड्यूटी करने के बाद में भी पुलिस जब आलोचनाएं झेलती है, पुलिस जब ताने झेलती है, तब कहीं ये चार पंक्तियां निकल कर आती हैं पीड़ा के रूप में कि रोज नए अपराधों के मैदानों में खेला करते हैं, रोज नए अपराधों के मैदानों में खेला करते हैं हम, केवल जनता के हित हेतु ही तो मेला करते हैं हम, केवल जनता के हित हेतु ही तो मेला करते हैं हम। और भले 24 घंटे ड्यूटी पर हम मुस्तैदी से लगे रहें, भले 24 घंटे हम ड्यूटी पर मुस्तैदी से लगे रहें, पर फिर भी अपनों के तानों को झेला करते हैं हम, पर फिर भी अपनों के तानों को झेला करते हैं हम। लेकिन इसके अलावा वर्दी की एक जो पहचान है, उस वर्दी की पहचान को मैं इन चार पंक्तियों में बताना चाहूंगा कि वतन के काम जो आए वही सच्ची जवानी है, वतन के काम जो आए वही सच्ची जवानी है। हमारा हर एक काम बस सेवा की निशानी है, हमारा हर एक काम बस सेवा की निशानी है। जाति धर्म से उठकर सभी की रक्षाएं करते, जाति धर्म से उठकर सभी की रक्षा जो करते, खाकी वर्दी वालों की बस इतनी सी कहानी है। और कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगा भारत की संस्कृति के लिए, जिस भारत की संस्कृति में हमें रोगों से लड़ना सिखाया जाता है, जिस भारत की संस्कृति में हमें प्रणाम करना सिखाया जाता है, जिसको आज पूरा विश्व अपना रहा है, तब सुनिएगा कि जगत गुरु के सपने को हम सब मिलकर साकार करें, जगत गुरु के सपने को हम सब मिलकर साकार करें, पश्चिम की इस चकाचौंध का मिलकर हम प्रतिकार करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम की एक इकाई बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम की एक इकाई बने, सब मिलकर के समरसता की जग में एक दुहाई बने, सब मिलकर के समरसता की जग में एक दुहाई बने, हम हनुमान से वीर बने और महावीर सी धीर धरें, हम हनुमान से वीर बने और महावीर सी धीर धरें, सकल विश्व परिवार हमारा सोच जगत की पीर हरें, सकल विश्व परिवार हमारा सोच जगत की पीर हरें। अरे तभी तो दुनिया भर में भारत का परचम फहराएगा, तभी तो दुनिया भर में भारत का परचम फहराएगा, नील गगन में झूम तिरंगा विजय गान को गाएगा, नील गगन में झूम तिरंगा विजय गान को गाएगा। और अंतिम कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा, आज हमने नायकों की परिभाषाएं चेंज कर दी हैं, आज हमने नायकों की परिभाषाएं बदल दी हैं, तब ये पंक्तियां प्रासंगिक हो जाती हैं कि नायक नहीं बना करते हैं केवल फिल्मी गानों से, नायक नहीं बना करते हैं केवल फिल्मी गानों से, नायक तो वे होते हैं जो खेला करते हैं जानों से, नायक तो वे होते हैं जो खेला करते हैं जानों से, नायक नहीं वे जिनका जिनका दम अपने ही घर में घुटता है, नायक नहीं वे जिनका दम अपने ही घर में घुटता है, नायक नहीं वे जिनका स्वर भारत माँ की जय पर रुकता है, नायक नहीं वे जिनके काले आतंकी अध्याय हुए हैं, नायक नहीं वे जो भारत में गद्दारी के पर्याय हुए हैं, नायक वे बलिदानी जिनके बल पर भारत का ऊंचा मान हुआ है, नायक वे बलिदानी जिनके बल पर भारत का ऊंचा मान हुआ है, नायक तो वे जिनके बल पर भारत का दुनिया में जयगान हुआ है। अरे नायक वो देवेंद्र जो कोरोना से लड़ते लड़ते मर जाता है, नायक वो अब्दुल कलाम जो शिक्षा देते देते अल्लाह के घर जाता है, अरे नायक वो भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है, नायक तो वो शेखर है जो साहस की मिसाल गढ़ जाता है, अरे सच पूछो तो नायक वे जो रणभूमि में शत्रु का संहार करें, और नायक वे जो गर्वित होकर भारत माँ की जय जयकार करें, नायक वे जो गर्वित होकर भारत माँ की जय जयकार करें।
और अंत में दो पंक्तियाँ कि छोटी छोटी खुशियों में भी हिस्सेदारी अपनी है, छोटी छोटी खुशियों में भी हिस्सेदारी अपनी है, घर अपना आबाद रहे ये जिम्मेदारी अपनी है, इसलिए घर रहिए सुरक्षित रहिए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आज का दिन पुलिस के उन बहादुर शूरमाओं के नाम है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण बलिवेदी पर न्योछावर कर दिए। साथियों, ये अपने प्राण देकर हमारे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और इसलिए ये हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, हम इनका नमन करते हैं, इन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से इस तथ्य से हम और आप बड़ी प्रकार विदित हैं कि ऐसे अनेक पुलिस के जाबाज बहादुर सेनानी शहीद हुए हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों को खोया है। साथियों, नगर के अत्यंत उत्साही और युवा कवि और समाजसेवी श्री आशुतोष शर्मा ओज, इन्होंने इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया था, बीज बपन किया था, और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि ऐसे सारे शब्द साधकों को एक मंच उपलब्ध कराएं, उस मंच के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाएं, जिसमें कोरोना की भयावहता के बारे में लोगों को जागृत करें और एक संदेश जाए लोगों में कि हमें इसके प्रति सजग रहना है। और मैं समझता हूँ कि इस कार्य में आशुतोष जी बहुत सफल भी हुए, क्योंकि ये जिस प्रकार लोकप्रिय हो रहा है, देश के विभिन्न भागों में भी ऑनलाइन कवि सम्मेलनों का प्रारंभ हो गया है। टीवी चैनलों की कार्यक्रमों की लोकप्रियता की तरह ये कार्यक्रम भी अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आज के इस मंच पर हमारे नगर के संवेदनशील पुलिस कप्तान आदरणीय राजेश जी चंदेल उपस्थित हैं, और इसी तरह इसी नगर के एक और सपूत जो ग्वालियर पुलिस प्रमुख हैं आदरणीय भसीन साहब, वे भी इस मंच पर उपस्थित हैं। हम इन तमाम पुलिस वालों का, पुलिस के साहसी जवानों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उनके बलिदान को वंदन करते हैं और उनके कर्तव्य को प्रणाम करते हैं। साथियों, पुलिस का एक सूत्र है, एक ध्येय वाक्य है, देशभक्ति जनसेवा। और मुझे लगता है कि संकट की इस घड़ी में इस सूत्र को वे बखूबी प्रसारित कर रहे हैं, बखूबी धारण कर रहे हैं, अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि कवि सम्मेलन भी प्रारंभ होना है। केवल ये चार पंक्तियाँ पुलिस के ऐसे जवानों को मैं समर्पित करता हूँ। देखें, चांद खिलकर गगन सजाता है, चांद खिलकर गगन सजाता है, फूल खिलकर चमन सजाता है, सजे तालाब कमल खिलने से, वीर मिटकर वतन सजाता है, वीर मिटकर वतन सजाता है। समस्त पुलिस कर्मियों को मेरा प्रणाम अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करती हूँ भारत माँ के उन वीर बेटों को जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर हम सबके प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। प्रणाम करती हूँ उन वीर सपूतों को जिन्होंने माँ भारती की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी है, और इंदौर के उस वीर बेटे को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपनी शहादत दी है। मैं आप सभी पुलिस अधिकारियों का जो आज मेरे इस गीत को सुन रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में वंदन करती हूँ।
और इस गीत के माध्यम से अपने भाव समर्पित करती हूँ, आप सभी तक पहुंचाती हूँ। देश नमन करता है ऐसे देश भक्त मत वालों को, देश नमन करता है ऐसे देश भक्त मत वालों को, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले इन रखवालों को, नमन तिरंगा नमन भारती, नमन तिरंगा नमन भारती, प्राण गीत नवले बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो। और प्राण पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, संकट के इस कठिन समय में प्राण हथेली लिए हुए, संकट के इस कठिन समय में प्राण हथेली लिए हुए, हमको सुख मिल जाए सारे दुख बाजू में सिए हुए, सड़कों घूम रहे गए रक्षा का व्रत सांसों में, प्रथम सुरक्षा जनता का सुख भावों के विन्यासों में, इनके कठिन प्रयासों से है जीत मिलेगी तय बोलो, इनके कठिन प्रयासों से है जीत मिलेगी तय बोलो, इनके कठिन प्रयासों से है जीत मिलेगी तय बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो। हमारे लिए सड़कों पर 24 घंटे दिन रात तत्पर रहने वाले वे लोग, उन पर पत्थर भी बरसाए जाते हैं जिन पर सुमन बरसाए जाने चाहिए, तब पंक्तियां समर्पित करते हैं। जो भी जैसा भी संभव है हर एक दिशा में तत्पर है, जो भी जैसा भी संभव है हर एक दिशा में तत्पर है, उन राहों पर भी चलते जिन राहों पर पत्थर है, उन राहों पर भी चलते हैं जिन राहों पर पत्थर है, आओ हम सब दीप जलाए इनके ही सम्मान में, आओ मिलकर दीप जलाए इनके ही सम्मान में, जब तक है ये कष्ट नहीं आ सकता हिंदुस्तान में, इनके रहते हम सब जीते होकर सदा अभय बोलो, इनके रहते हम सब जीते होकर सदा अभय बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो। और अंतिम पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करती हूँ कि अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए तत्पर रहने वाले वे लोग, अंदर अंदर भीतर भीतर दुख होता होगा, रोते भी होंगे, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, तब समर्पित करती हूँ। कितने दिन से अपने बच्चों से भी नहीं मिले होंगे, रोए होंगे भीतर भीतर बागर से, रोए होंगे भीतर भीतर बागर खिले खिले होंगे, याद इन्हें भी आती होगी लेकिन पहले देश है, सच्चे जीवन का जीवन को मिलता नव संदेश है, जय जय भारत माँ गाते हैं, जय जय भारत माँ गाते हैं जिनके सदा हृदय बोलो, जय जय भारत माँ गाते हैं जिनके सदा हृदय बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो, आओ मिलकर देशभक्त इन वीरों की जय जय बोलो, जय जय बोलो। आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का, और आभार आशुतोष भैया का कि ऐसे अवसर पर मेरी पंक्तियों के द्वारा मैं अपने भाव समर्पित कर सके। पुनः पुनः प्रणाम। काली माँ की छातियों पर ज्योत की ज्वाला जला दी, मौत ने तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी, है नमन उनको प्रलय के सामने मुस्तैद होकर, देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। आज आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कोरोना की इस जंग में
एक डीएसपी देवेंद्र चंद्रवंशी, उनकी शहादत हो गई। आज उनके लिए मैंने कुछ चार पंक्तियां उस समय लिखी थी, मैं उनका पाठ करता हूं, सुनिएगा। कोरोना से युद्ध ठान बलिदान हो गया, वर्दी के संकल्पों का प्रतिमान हो गया। कोरोना से युद्ध ठान बलिदान हो गया, वर्दी के संकल्पों का प्रतिमान हो गया। चंद्रवंश देवेंद्र दिव्यता रथ पर चढ़कर, चंद्रवंश देवेंद्र दिव्यता रथ पर चढ़कर आसमान से ऊंचा हिंदुस्तान हो गया, आसमान से ऊंचा हिंदुस्तान हो गया। आज उन चिकित्सा कर्मियों के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए जो वर्दी का कर्तव्य अपने मन में धारण करके इस जंग में पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, मैं उनके सम्मान में एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। शब्दों से रंजित काव्य नहीं, दिल के घावों का दर्पण है, यह पुलिस चिकित्सा सेवा के अभिनंदन का उच्चारण है। स्तुतिगान नहीं है शासन का, भावों से भीगा कण कण है, स्तुतिगान नहीं है शासन का, भावों से भीगा कण कण है। शब्द यज्ञ की बलिवेदी पर श्रद्धा से शुद्ध समर्पण है, शब्द यज्ञ की बलिवेदी पर श्रद्धा का शुद्ध समर्पण है। वर्दी का फर्ज निभाने में जो निर्मम निष्ठुर रहते हैं, उनके भी अंतस में लेकिन करुणा के धारे बहते हैं। सर्दी गर्मी या बारिश हो, सर्दी गर्मी या बारिश हो, सह जाते जंजावात सभी, मौसम कितना भी घातक हो, योद्धा न रुके दिन रात कभी। कोई इन पर थूक रहा है तो कोई पत्थर मार रहा, कोई हाथ काट देता है, कोई इनको धिक्कार रहा। ये देश धर्म के प्रहरी हैं, वर्दी की शान कहते हैं। हमें बचाने के मकसद से खुद अपनी जान लुटाते हैं, हमें बचाने के मकसद से खुद अपनी जान लुटाते हैं। नजरें हो तो इनके दिल के भीतर देखो, नजरें हो तो तपो शक्ति का अंबर देखो, नजरें हो तो देखो इनकी वतन परस्ती, नजरें हो तो बीच भंवर में कश्ती देखो, नजरें हो तो बीच भंवर में देखो कश्ती। देखो कैसे छोड़ रही है छांव जिंदगी, दौड़ रही है कैसे नंगे पांव जिंदगी, वेतन लेकर कौन लगाता दांव जिंदगी। ओढ़ तिरंगा लौट रही जो गांव जिंदगी, ओढ़ तिरंगा लौट रही जो गांव जिंदगी। ज्वालाओं की तपन सर्वदा वही सिपाही सहता होगा, आग बुझाने की खातिर जो सबसे आगे रहता होगा। अंगारों का जलता पथ या तलवारों की धार जहां है, होली हो या दिवाली पर खाकी का त्योहार वहां है, होली हो या दिवाली पर खाकी का त्योहार वहां है। गाली गोली खून खराबा पत्थरबाजी, कितने झंझट झेल रहे खाकी के गाजी। यह खाकी कैसे बनती है कुछ जानो तो, इस खाकी की मर्यादा को पहचानो तो। खाकी महज सिपाही का गणवेश नहीं है, खाकी महज सिपाही का गणवेश नहीं है, कर्तव्यों के धागों से बनती है खाकी। खाकी महज सिपाही का गणवेश नहीं है, केवल पुलिस व्यवस्था का संदेश नहीं है, कर्तव्यों के धागों से बनती है खाकी, कर्तव्यों के धागों से बनती है खाकी, और राष्ट्रगीत की रागों से बनती है खाकी। वह संसद हमला याद करो, कितनी लाल रही है खाकी। उन संकल्पों को संबल दो, उन संकल्पों को संबल दो जिनको पाल रही है खाकी। उस मर्यादा का मान करो जिसमें ढाल रही है खाकी, और जीवन के बिखरे सपनों को सार संभाल रही है खाकी, जीवन के बिखरे सपनों को सार संभाल रही है खाकी। तुम भी आज सिपाही हो बिन वर्दी के, मैं देश की युवा शक्ति से आह्वान करना चाहता हूं, तमाम देशवासियों का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं, तुम भी आज सिपाही हो बिन वर्दी के, इतिहास लिखे जाते हैं सदा विमर्दी के। देशवासियों कोरोना से रणधारो, ध्रुव धीर शस्त्र से युद्ध लड़ेंगे प्रणधारो, इन वर्दी के योद्धाओं का सम्मान करो। ये क्यों सड़कों पर दौड़ रहे हैं भान करो, तपधारी त्याग तपस्या का गुणगान करो,
तपधारी त्याग तपस्या का गुणगान करो, इन भारत माँ के बेटों का अभिमान करो, इन भारत माँ के बेटों पर अभिमान करो, इन युद्धक वीर जवानों से कुछ आभारी संवाद करो, अपमान नहीं इन वीरों का जज्बातों से इमदाद करो, खाकी का बलिदानी जौहर बलिदानी गौरव याद करो, सैल्यूट करो सैल्यूट करो सैल्यूट करो आदाब करो ये वर्दी जिंदाबाद करो, सैल्यूट करो आदाब करो ये वर्दी जिंदाबाद करो, सैल्यूट करो आदाब करो ये वर्दी जिंदाबाद करो। जय हिंद जय भारत। चिता जलने से हम मरेंगे नहीं, चिता जलने से हम मरेंगे नहीं, देवेंद्र चंद्रवंशी ने उत्तीर्ण की थी पुलिस की परीक्षा, तब पहनी थी वर्दी, उत्तीर्ण की थी पुलिस की परीक्षा तब पहनी थी वर्दी, अडग इरादे का अशोक चक्र रखा था अपने सिर पर, पानी बरसे तपे दिन या कप कपा दे सर्दी, उसे तो खड़े रहना था मान रखने पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 64 का, अपनी जिद का समर्पण का और जनसेवा की हट का, सीना तान स्वीकार की थी शर्तें उसने सत्यमेव जयते की, और ली थी शपथ चुनकर एक अनंत पथ, निकला था निष्क्रमण का पहला कदम मानकर साक्षी तिरंगे को जय हिंद कहते हुए, तब भला कैसे देख सकता था किसी को तड़फते बिलखते और मरते अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, अमृत की तरह पान किया था नियमों के पैरा नंबर 405 का, फिर कैसे जाने देता किसी दीनहीन रोगी के करीब अंगारा अकाल मृत्यु की आंच का, अटकी थी उसकी नजरें रेगुलेशन के खंड 2 की तहरीर पर, जहां वचन लिया था 408 ने मूक पशुओं के प्रति भी बांध रखा था संवेदना से वर्दी के पाठ में, हांफती सांसें घुटता गला टूटता शरीर ताप भले ही अंग अंग को दे चीर, सामने अट्टहास करे कोरोना या प्लेग, यहां तो वर्दी को रखना होता है अपना प्रचंड वेग, महामारी में कैसे करना है काम, राम काज के पूर्ण हुए बिना कैसा विश्राम, वर्दी वाले हर देवेंद्र का यहाँ इम्तहान है। जितने लोग वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वर्दी वाले हर देवेंद्र का यहाँ इम्तहान है, और सच तो यही है यह वर्दी ही आधुनिक हनुमान है, सच तो यही है कि यह वर्दी ही आधुनिक हनुमान है। रामायण के सूत्र सहाय हमारे रेगुलेशन का खंड 4 जिसमें अंकित है हर लक्ष्मण को बचाने का भार, तब भला देवेंद्र कैसे पीछे हट सकता था, चिर निद्रा में सोए बिना चिर निद्रा से पूर्व बताओ, चिर निद्रा से पूर्व बताओ वो कैसे थक सकता था, वो कैसे थक सकता था, जब चांद पर खेलती है वर्दी तो जिंदा समाज रहता है, कल क्या था कल क्या होगा वर्दी के हौसलों में तो आज बहता है, वर्दी के हौसलों में तो आज बहता है, चुनौती है तो डरेंगे नहीं, चिता जलने से हम मरेंगे नहीं, चुनौती है तो डरेंगे नहीं, चिता जलने से हम मरेंगे नहीं, हर वर्दी के भीतर लड़ रहा है एक देवेंद्र, और वह लड़ता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी अपनी सांस देगा, जब जरूरत पड़ेगी उसका लहू बहेगा, जब जरूरत पड़ेगी अपनी सांस देगा, जब जरूरत पड़ेगी उसका लहू बहेगा। मित्रों प्रणाम, मैं चौधरी मदन मोहन समर, मेरे बहुत से चाहने वालों का ये कहना है कि वो कुछ कविता सुनना चाहते हैं, तो आइए एक प्रासंगिक कविता आपके समक्ष रखता हूं, दीपक का उद्घोष। हम अंधेरों से लड़े लड़ते रहेंगे, हूं विजेता या पराजित प्रश्न कैसा,
बस बुझे ना रीत जलने की कभी, इस समर में शोक भी है जश्न जैसा। दिग्भ्रमितों रास्ते वा तम घना हो, वा समय निष्ठुर निराशा से भरा हो, सूझता ना हो तिमिर से जूझना जब, सामर्थ मन का भी कहीं दुख का डरा हो। उम्मीद का पंछी हुआ हो शव सरीखा, विश्वास रेतीले महल सा टूटता हो, सामने अवसाद का सागर असीमित, उल्लास का तट दूर पीछे छूटता हो। आहटों में अपशगुन का भय सताए हो, घुटन में सांस भी दुश्वार जब, ओर हो ना छोर हो घनघोर का, कर ना पाए धैर्य भी प्रतिकार। इस कठिन से भी कठिनतम वक्त से, देखिए उलझे हमी झड़पे हमी हैं, बोलने हल्ला सुलग कर आपके संग होने के लिए तड़पे हमी हैं। हम समर्थक हैं सदा परमार्थ के, क्षीण हैं पर आत्मा से हैं प्रबल, हम सुलगना जानते हैं इसलिए, रश्मियों का वास हमने है धवल। मानते हैं टिक सके ना हम कभी, एक झोंके के जरा से क्रोध पर, लिख सके ना हम कहानी भी नई, आंधियों की राह के प्रतिरोध पर, झट डरा देती हवा की तलखियां, हम पवन की धौंस को भी सह सके ना, ये सही है रुक ठहर इनसे कभी, तान कर सीना अकड़ हम कह सके ना, हम थपेड़ों से कभी ना लड़ सके, अड़ सके ना सामने तूफान के, बोलिए 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 फिर क्यों सजाया जा रहा भोर संध्या द्वार पर भगवान के, बोलिए फिर क्यों बताया जा रहा, बोलिए फिर क्यों बताया जा रहा वंशजों सा हमें दिनमान का, बोलिए प्रतिमान कैसे हो गया दीप नन्ना जागरण के कान का। कुछ तो है हम में हमारे भाग्य में, कुछ तो है हम में हमारे भाग्य में, ईश के समकक्ष होकर हम पुजे जिस जगह पर हम जले आबाद, वो वीरानियां पसरी जहां पर हम पुजे। प्रेरणा के पथ हमी ने है रचे, हम भटकतों की दिशा का बोध है, फैलते अंधियार की पदताप को अवरुद्ध करने के लिए अवरोध है। देखिए संघर्ष की अवधारणा के, शोध पत्रों को समूचा पांच कर, शूर वीरों से लगाकर संत तक, सब चढ़े हैं हमारी आंच पर। स्वयं प्रकाशित हो प्रथम जो सूर्य था, वो दीप की मजबूरियों पर मुस्कुराए, चकमकी संघर्ष से भयभीत जो, अधिकार क्या वो जुगनुओं को मुचराए। तो टिमटिमाते से उजाले ही सही, या कहो तुम दीप तल में तम लिए, हम जले हैं और जलते ही रहेंगे, जगमगाने का प्रखर परचम लिए, तो सुप्त होकर सुप्त होकर सुप्त होकर स्वप्न लखने की तजो, चक्षुओं को दग्ध कर जगना पड़ेगा, रोशनी के ग्रंथ में ग्रह उकरना, तप्त दीपों की तरह दगना पड़ेगा। तो आइए आइए संघर्ष करने को कतारों में लगे, फिर भले ही जीत हो या हार हो, वो दंड तम पर तम तमाने के लिए, हर दीप जलने के लिए तैयार हो, हर दीप जलने के लिए तैयार हो, हर दीप जलने के लिए।